अभी चीज जो हमको देखनी है इसमें, इट इज कंपाउंड आफ्टर कंपाउंड विद टू कायरल सेंटर, है ना। इसके आगे जो हमको देखना है ये काम होती दैट इज होमोमर्स, ठीक है। तो होमोमर्स का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे होमोमर्स दे आर नथिंग बट द सेम कंपाउंड, इट इज एग्जैक्टली द सेम मॉलिक्यूल विच हैज बीन रिप्रेजेंटेड स्टीरोकेमिकली इन टू डिफरेंट वेज, ठीक है ना। क्या बोले हमने होमोमर्स क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे एक ही मॉलिक्यूल होता है ये, जिसको स्टीरोकेमिकली अलग अलग टाइप से लिखा हुआ होता है। मतलब क्या होगा, जब इसका आप कॉन्फिगरेशन निकालोगे ना, दो अलग अलग तरीके से लिखे हुए मॉलिक्यूल का, तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिगरेशन इनका सेम आता है। वो कौन सी चीज रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम रहेगा ही, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें क्या लिखा है, कार्बन पर हाइड्रोजन ब्रोमीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कहाँ पर दे आर एट वर्टिकल लाइन, ब्रोमीन फ्लोरीन कहाँ पर दे आर एट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो कौन सी चीज है, इसका जो अपन कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, तुम बोलेंगे इसको कॉन्फिगरेशन आते दैट इज आर, ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1, क्लोरीन की 2, क्लोरीन की 3, तो 1 से 2 से 3 दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हाइड्रोजन नीचे आया, क्या फिर से क्लोरीन से फ्लोरीन जाते समय फिर से क्या था, इट वॉज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, बट क्या इसके ग्रुप्स जो थे वो अलग अलग जगहों पर लगाए हुए थे, बट स्टिल मॉलिक्यूल में कोई भी अंतर नहीं था। आई ने बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब एक ही मॉलिक्यूल, ये क्या कहलाएंगे, दो रिप्रेजेंटेशन दे आर होमोमर्स ऑफ ईच अदर, समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो अपने को देखनी है इसमें, ये कौन से दैट इज अदर केसेस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अगली चीज क्या देखनी है हमको, तो हम बोलेंगे अदर केसेस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये हमको देखना है ना। तो इसमें सिंपल होता है, क्या बोलेंगे अपन, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल विद सेंट्रल एटम अदर देन कार्बन, है ना। क्या है, तो इसमें लॉजिक जो रहेगा दैट विल एग्जैक्टली बी लाइक व्हाट, दैट टेट्राहेड्रल कार्बन कंटेनिंग फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स एट फोर ऑफ इट्स वैलेंसी, समझ आएंगे बात ये। तो एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, क्या बोलेंगे अपन, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है मतलब सेंट्रल एटम क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और इस पर क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे चारों वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स रहेंगे, बस कौन सी चीज है इसमें, सेंट्रल एटम जो है वो क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वो कार्बन एटम नहीं होता ना, दिस इज द ओनली डिफरेंस, समझ आ गई बात। ये लॉजिक वही रहेगा कि चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल यदि डिससिमेट्रिक है तो फिर वो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव अपने आप हो जाता है, आए ना समझ में। तो इनके एग्जाम्पल्स हमको देखने, लॉजिक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो एग्जाम्पल इज व्हाट, हम बोलेंगे जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, बट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी टू 4, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ये चार वैलेंसीज पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स थे, नाइट्रोजन पर क्या आ गया, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ हाइड्रोजन है, इधर R1, R2, R3 सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया, नाइट्रोजन जो है टेट्राहेड्रल तो है ही, साथ में कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, दिस हैज बिकम व्हाट, अ कायरल सेंटर एंड अ कायरल मॉलिक्यूल, इस वजह से इट हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, आया समझ में। एग्जैक्टली ऑन द सेम लॉजिक क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस जो होता है दिस ऑल्सो इज अ मेंबर ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, है ना। तो कौन सी चीज है, इसकी भी चारों वैलेंसीज पर यदि अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसकी भी चारों वैलेंसीज पर यदि अलग अलग ग्रुप्स हैं तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फिर से कायरल होकर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, क्लियर है ना। फिर इसके बाद ये सल्फर है, अब सल्फर हालांकि कैसा दिख रहा है हमको, दैट इज हेक्सावेलेंट दिख रहा है, ठीक है। बट कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे सल्फर का भी यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या ही है, sp3 है, इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर तो नॉन प्लेनर ही होता है, आए ना समझ में। अब यदि स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होगा तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फिर इसमें यदि क्या हो गया, यहाँ पर सारी वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप्स आ जाएंगे, तो फिर स्ट्रक्चर डिसिमेट्रिक होकर अपने आप कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है, आए ना समझ में। तो कौन सी चीज है, तो मतलब सल्फर पर क्या करेगी, O16 O18, है ना, अलग अलग आइसोटोप्स आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो इधर एक OR1 और उधर क्या दैट इज OR2, समझ आ गई बात। तो इस तरीके से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे वाला जो
मॉलिक्यूल होता है दिस अगेन विल बी डिससिमेट्रिक. वो डिससिमेट्रिक हो गया मतलब कायरल होकर क्या हो जाएगा, दिस हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो ये वही केसेस थे, बट इनमें डिफरेंस क्या था सर, तो हम लोग यहाँ पर सेंट्रल एटम कार्बन की जगह पर कोई और है, दिस इज द ओनली डिफरेंस. आगे बात समझ में आता है अच्छे से.